अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। अब समझी मैं, सब समझ गए। क्या अब समझी तुम कि डांस स्टेप कितना मुश्किल है, और आयुष के साथ डांस करना और भी मुश्किल। तमीज़ मत कर। जाओगी, रोकोगी? ठीक है जाओ, पर तब क्या करोगी? जब लोगों की आंखों में सवाल होगा क्या जवाब दोगी उन्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? मानिश का क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? यहाँ पर कुछ है कि नहीं ब्रेन में? अगर है तो उसको यूज करो ना। तुम जाकर ऋषि भाई और लक्ष्मी आदि को रोकोगी, लोगों के मन में सवाल उठेगा, कीजिए क्या कर रही है, इतने होने वाले पति पर इतना शक कर रही है। तब क्या जवाब दोगी उन्हें? क्या बोलोगे जब लोग कहेंगे कि ये कैसी लड़की है, अपने पति पे इतना शक करती है, शादी से पहले ही हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा? लोग तो यही बोलेंगे ना, आयुष और मनीषा भी तो डांस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरी तरफ देखो लक्ष्मी, पिया 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 अब तो तेरा है जिया, पिया पिया अब तो तेरा है जिया। छाँव भी वही, मेरा गाँव भी वही, जहाँ तेरे होंठ से हंसी खिलती है। चैन भी वही, बीते सारी रैन भी वही, जहाँ शान तेरे संग ढलती है। यारा मेरा गाँव भी वही, जहाँ तेरे होंठ से हंसी खिलती है। मेरा चैन भी वही, बीते सारी रैन भी वही, जहाँ शाम तेरे संग ढलती है। ओ रुख बदल सजा, डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। भाभी आप सच्ची में सुपर हिट हो, मेरे लोगों का बैंड बजाने में एकदम सुपर फिट हो। सच्ची में बैंड बजा दिया साहब, कहीं शक्ल नहीं दिखा भाई, सही बोली थी तो मैं बोल रही थी ना कि दी जब जवाब देने पर आती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती सवाल करने की। अच्छा वह जवाब दे दिया, वरना मैं तो मुंह तोड़ता इसका। कितनी सही बात बोल गई वो, अपने परिवार के लिए जो काम करता है वो नौकर नहीं बन जाता है। ये है कौन, इस परिवार की क्या लगती है? अरे फाड़ने जाने दो इसे, मैंने बोला ना ये कुछ नहीं है। She is just nothing, just a nobody, that's it. In fact, a big zero. Forget about. तुम अपनी दोस्त की रिंग सेरेमनी एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, ओके? इस चालाक लक्ष्मी को तो मैं बाद में देख लूंगी, जो लेक्चर इसने दिया है ना उसका जवाब तो अब मैं दूंगी इसे। मलिष्का जस्ट रिलैक्स, तुम जाकर वहां ऋषि के पास बैठो, कुछ ही देर में तुम्हारी सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके आंटी। ये इस लक्ष्मी ने मेरे दोस्तों के सामने मुझे सुनाया, मुझे नीचा दिखाया, बहुत बुरा किया है तुमने लक्ष्मी, मेरे लिए नहीं खुद के लिए।
क्योंकि तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं छोड़ूंगी नहीं तुम। गॉड, गॉड प्लीज प्लीज कोई आ जाए, लगता है चोर बाहर नहीं है, बाहर निकले क्या? ट्राई ट्राई करते हैं। गॉड कोई है? कौन हो सकता है? चोर तो नहीं, या घर से ही कोई है? दरवाजा बाहर से बंद है तो ये हलचल कैसी? से भी दरवाजा बंद, बाहर से बंद था तो अंदर कौन है? कौन है? लक्ष्मी। ये तो लक्ष्मी क्या? दरवाजा खोलो। लक्ष्मी लक्ष्मी, वो हमारे कमरे में, वो हमारे आंटी, हमारे मम्मी जी, लक्ष्मी वो सीन आ रहा है। पीपी भर के आप एक मिनट आइए मेरे साथ, आइए आइए आराम से। हमारे कमरे में, वहाँ कमरे में क्या? आंटी बैठिए बैठिए प्लीज, आराम से आराम से। आंटी अब ये पीपी की दवाई देनी पड़ेगी, वरना शायद यही बोल रही होंगी कि दवाई कमरे में। मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ आंटी, बस बस अभी आई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रूसी चाय बन गई कि नहीं? अरे मिहिका, ये रुको रुको रुको, अंदर मत आना। अंदर क्यों, क्या हुआ? अरे दो मिनट रुक जाओ ना प्लीज, तुम घर में एंट्री कर रहे हो तो प्रॉपरली गृह प्रवेश तो करना पड़ेगा ना। मैं करूंगी तुम्हारा वेलकम अच्छे से। ओके बाय। नहीं 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 नहीं, ये सब मत करो प्लीज, और गृह प्रवेश तब होता है जब पहली बार है। पहले आ चुका हूं ना यहां पे, तो इट डजंट मेक सेंस। मत, बात अलग थी ना, अब तुम बाहर से आ रहे हो, मैं घर में हूँ ना, मैं करूंगी तुम्हारा वेलकम। ये कोई लॉजिक कैसे हुआ? लॉजिक छोड़ो ना रणबीर, मेरे दिल में से आवाज निकल रही है तो मुझे करने दो ना प्लीज। करने दो ना, मत रोको ना। और क्या, उसकी बात सुन लो, वो किसी की मानने नहीं वाली, उसको कर लेने दो अपनी मन की। और पुत्र, शादी के बाद तो ये सुप्रीम कोर्ट बनने वाली है, अभी हाई कोर्ट का फैसला समझ के ऑर्डर मान लो। ऑर्डर नहीं डैड, विश है। तनवीर मेरी विश ग्रांट कर दो प्लीज। मीका एक सेकंड, क्या बचपन है ये? हाँ क्या बचपन है? मॉम डैड आप लोग इसे सपोर्ट कर रहे हो सीरियसली? क्यों आरती उतारनी है इसकी? हाँ कोई जंग जीत के आए? अक्षय, जंग तो जीत के आया हूं लेकिन सबको बता नहीं सकता उसके बारे में। यस रणबीर सही कह रहा है, जंग ही तो लड़के आया है। वो कल रात को मयंक आया था, मैं बहुत डर गई थी तो मैंने सीधा उठाकर रणबीर को फोन लगा दिया, और रणबीर ने उसे इतना डराया कि रणबीर वहां था भी नहीं, फिर भी वो रणबीर से डरकर भाग गया। तो मुझे बचाकर जंग ही तो जीती है रणबीर ने। और भाई मैं कोई बचपना नहीं कर रही हूँ, रणबीर डिजर्व करता है मेरा वेलकम। मीका को सच में रणबीर से प्यार होते जा रहा है, बहुत प्यार होते जा रहा है। अब फूल
अब हो गई तेरे मन की? हाँ, अब है तू खुश? कर ली अपने होने वाले पति की आरती? तो अब इसे अंदर आने दे, बावली हो गई है। आजा। आ जाओ भाई। अब रेनू, ये थाली जरा ले लो। अच्छा सब लोग एक गल सुनो, आज से शादी के दिन तक रणबीर यही रहेगा। हमारे घर में हमारे साथ। मैंने पल्लवी जी से बात कर ली, उन्हें कोई एतराज नहीं है और वो आज शाम को शगुन लेकर भी आएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। पल्लवी आंटी, आंटी, अरे कहाँ गए सब लोग यार? अरे भाई कहाँ है तू? भाई मैं ना अभी कुछ दिनों के लिए ना अक्षय के घर पे रहूंगा, प्लीज। पर भाई सब ठीक है ना? मतलब यू आर साउंडिंग वेरी टेंस्ड। भाई तू यही तो चाहता था, तुझे खुश होना चाहिए यार कि तू वहाँ टंडन हाउस में, यार वहीं तो रुकना चाहता था तू। हाँ हाँ अंडरस्टैंड, मुझे खुश होना चाहिए था, बट मैं ना थोड़ी सी टेंशन में हूँ। मैं मीका के लिए टेंशन में हूँ यार। मीका की? देख मीका को मुझसे प्यार हो गया और ये बात मुझे उसकी आंखों में देख के पता चल रही है। वो मेरी आरती कर रही है यार। और ट्रस्ट मी, मैं ना समझ जाता हूँ कि कब कौन दिखावा कर रहा है और किसको एक्चुअली प्यार हो रहा है। और मीका को मुझसे प्यार हो रहा है यार। इसका मतलब मीका तो वो अभी दिखावा नहीं कर रही है, वो सच में मुझसे प्यार करने लगी है यार। मैंने देखा वो मेरा स्वागत कर रही थी अपनी पूरी फैमिली के सामने। सिर्फ फैमिली को दिखाने के लिए नहीं, दिल से स्वागत। हाँ स्वागत, स्वागत भी नहीं यार, वो मेरा गृह प्रवेश करा रही थी, लाइक अ प्रॉपर गृह प्रवेश। क्या कह रहा है रणबीर? देख आर्यन, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है। और ये अभी इतनी बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बहुत बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, ट्रस्ट मी। भाई 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 तू मेरी बात सुन, तेरे को ना बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और तू जिस काम के लिए गया है बस प्लीज उस पे फोकस कर ले यार, तू सिर्फ उसी के बारे में सोच। देख तू प्राची के लिए गया है ना वहाँ पे, तो तू प्राची को संभालना यार, सिर्फ प्राची के बारे में सोच, इन सब चीजों में ध्यान मत दे। और हो गया होगा यार मीका को तुझसे प्यार, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वैसा वाला प्यार नहीं है, इसकी शुरुआत हुई है, ये कोई जीने मरने वाला या सात जन्मों का प्यार नहीं है। तो इन चीजों पे ध्यान मत दे, तू जो काम करने गया प्लीज प्राची पे फोकस कर ले यार, उस पे ध्यान दे। अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं उसको किसी भी किस्म का दर्द नहीं देना चाहता, ट्रस्ट मी। और तू जानता है मैं कैसा हूँ यार, वो बेचारी बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ कुछ बुरा करने की सोचना भी नहीं चाहता, करना तो बहुत दूर की बात है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अब क्या करेगा तू? इससे पहले मीका के दिल में मेरा प्यार और गहरा हो, मुझे यहाँ से प्राची को लेकर निकलना है, किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट। बस मीका को बुरा नहीं लगना चाहिए यार। अरे नहीं यार रणबीर, तेरे को बिल्कुल बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, तू क्यों गिल्ट ट्रिप में जा रहा है यार? देख अभी तूने ही बोला ना कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है, तू ऐसा इंसान नहीं है, ऐसा नहीं करता है, बस। तो फिर यार पर मीका क्या फील करती है, महसूस करती है, सब सोचने की जरूरत नहीं है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जरूरी पता है क्या है? जरूरी है तेरा सोचना कि अक्षय अभी क्या करेगा, क्योंकि जो तूने उसके साथ रात को किया है ना, उसके बाद भाई वो चुप बैठने वाला नहीं है, तू जानता है उसको। क्यों, कितना चालाक है? तो वो 100% प्लान बना रहा होगा, एंड आई एम श्योर वो नेक्स्ट अटैक की तैयारी कर रहा होगा। तो भाई तू कर क्या रहा है? तू भी सोच लेना क्या करना है नेक्स्ट, तू भी अपना प्लान बना लेना और प्लान कर ले उसको धोने का। रणबीर मैं तेरे को कॉल करता हूं। ठीक है कोई नहीं, जो कर सकता है अक्षय कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसको पता भी चल जाए कि एक्चुअली असलियत क्या है, मुझे इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आर्यन ने सही कहा, अक्षय चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो मुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार वो कुछ बहुत बुरा या कुछ बहुत बड़ा करेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। संभलना
सिखाया। थाम के उंगली चलना सिखाया। अरे नहीं मुझे जरूरत नहीं है, प्लीज मत करो, मैं खुद कर लूंगा ये। ये क्या था? मैं ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारे साथ सही नहीं किया, कुछ गलत किया है। मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पता है मेरा दिल बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया समा सकती है इस दिल में, लेकिन इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसका मेरे जैसा दिल होगा। खैर अपनी तारीफ तो बहुत कर ली मैंने, ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन देखो तुम्हारा गुस्सा देखकर, जिस तरह से तुम्हारे अंदर नफरत है ना, वो देखकर लगता है कि शायद मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, कुछ गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। अब वो जाने अनजाने किया है, ऐसी हो सकता है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। अगर ऐसा कभी हुआ है मुझसे तो आई एम रियली सॉरी। और तुम्हारे साथ ही क्या हो सकता है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हों जिनके साथ मैंने कुछ गलत किया हो, लेकिन वो लोग मेरे मायने नहीं रखते, तो मायने रखते हो क्योंकि तुम इस परिवार का एक हिस्सा, एक फैमिली मेंबर के तरीके से हो, इसलिए तुमसे तो सॉरी कहना बनता है। इसलिए अगर मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ या कुछ तुम्हारा दिल दुखाया है तो I'm really sorry. दिल से I'm sorry. I'm happy कि तुमने मुझे माफ कर दिया। चलो 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 रक्षाबंधन शुरू करो। Z5 app डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 app डाउनलोड करें। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैं कह रही हूँ ना, लूथरा हाउस जाना जरूरी है, क्योंकि 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 मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या याद आया है? सृष्टि वो फोटो लेडी थी हॉस्पिटल में डॉक्टर के भेस में, मैंने उसका चेहरा देखा था। उसके चेहरे पर मास्क था लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थी और मुझे याद आ गया कि वो बिल्कुल निधि जैसी थी। वो निधि थी। दी आप है ना आईसीयू में थे, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वो नहीं हो सकता ना। सृष्टि मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैं वॉशरूम में फेस वॉश कर रही थी, मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा आ गया। उसकी आंखें वो एकदम निधि जैसी थी। हाँ, और मैंने उसका मास्क भी उतारने की कोशिश की थी और उस छीना झपटी में उसके मुंह पर स्क्रैच भी मार दिया था। अगर वो निधि होगी ना तो अभी भी उसके चेहरे पर स्क्रैच होगा। चल लूथरा हाउस चलते हैं और जाकर निधि को मिलते हैं। और अगर उसके चेहरे पर वो मार्क दिखा ना तो इसका मतलब वही है जो मेरी जान के पीछे पड़ी हुई, एक मिनट, वही है जो मेरी जान लेना चाहती है।
अरे मैं भी उससे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों पड़ गई मेरी जान के पीछे। आराम से थी, शांत हो जाइए। हाँ, आपको ना कोई गलत फहमी होगी जी, वो निधि भला वो आपके पीछे क्यों पड़ी रहेगी है? उसको आपसे क्या मतलब? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने निधि का बिगाड़ा क्या है। जितना मुझे याद आ रहा है ना, वो निधि ही है। एक मिनट, ठंडे दिमाग से सोचते हैं। आप हॉस्पिटल में थी, आप आईसीयू में थी, और जहां तक मुझे याद है, पहले तो तू मुझे ये बता कि तेरे चेहरे पे एक खरोच कैसे आई। जंगली बिल्ली के पंजे। निधि को मैंने हॉस्पिटल में देखा नहीं, और एक मिनट, मैंने उसका चेहरा देखा हुआ है, उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। आपको शायद गलत फहमी हुई है शायद। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, तू चल मेरे साथ। एक मिनट राहुल, चल। एक काम करते हैं, गुरप्रीत जी ने जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया आपके लिए, पहले वहाँ चले। नहीं, पहले वहाँ चल। देख, अगर तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो मत आ, लेकिन मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ। एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आपके साथ आना नहीं है दी। ठीक है, चलिए लूथरा हाउस चलिए। चल चल मेरे साथ। गुरप्रीत जी, मैं लूथरा हाउस जाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो निधि होगी ना तो अभी भी उसके चेहरे पर स्क्रैच होगा। चल लूथरा हाउस चलते हैं और जाकर निधि को मिलते हैं। हे भगवान जी, दी तो लूथरा हाउस जाना चाहती है, क्या करूं? ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं कि दी लूथरा हाउस जा ही नहीं। उनका लूथरा हाउस जाना गलत होगा, वहां गए तो पता नहीं क्या होगा, जो सोचा नहीं वो हो जाएगा। ऑलरेडी जीवन इतना बिखरा हुआ है, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अब प्रीता दी को बिखरने नहीं दे सकती, अगर वो बिखर गए तो उन्हें समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भगवान जी, नहीं, हम लूथरा हाउस नहीं जा सकते। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। अरे आराम से झुमकी। घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। ये घाव तो भर जाएंगे, लेकिन उस घाव का क्या जिसने हमसे हमारा लौटा रिश्ता छीन लिया। मेरी मां, क्या उस गांव को भर पाएंगे? उस घाव को सिर्फ प्रतिशोध से ही भरा जा सकता है। तुम्हारी मां को जिसने भी मारा था उससे अपना प्रतिशोध ले ले। वो मैत्री हमसे कहीं गुना शक्तिशाली हो गए हैं। स्वर्ण मणि धारण करके वो शेषनागिन बन गई है। उससे मणि लेना मतलब अपने जान से हाथ धो बैठना। तो क्या यही बैठे रहोगी? रानी माँ की मृत्यु स्वर्ण मणि पाने के दौरान हुई है, उसकी मृत्यु को तुम बेकार जाने दोगी? अवश्य लेंगे हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। हर हम करे तो करे क्या? एक रास्ता है, और हो ना हो उस रास्ते पे चलोगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है।
हमारी माँ जब देख डरे तो हम क्यों डरेंगे? हम नहीं डरते हैं। आप हमें रास्ता बताइए। तो अगर तुम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। रानी माँ के लिए हम अपनी जान भी दांव पे लगाएंगे। हम आपका ये ऐसा कभी नहीं भूलेंगे। तो फिर ठीक है, उस स्वर्ण मणि को हासिल करने के लिए हमें एक हवन की तैयारी करनी होगी। एक बड़ा सा हवन जिसके अग्नि के आंच में मैत्री जलकर राख हो जाएगी। तो हम रुके क्यों हैं? हवन शुरू करते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर्ष मेरी बात सुनो प्लीज। जानती हूँ तुम्हारा मूड मेरी वजह से खराब है, पर तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो। मेरी तबीयत खराब है इसीलिए मैंने वेदों को दूध नहीं पिलाया, वरना कौन सी माँ मना करेगी अपने ही बच्चे को दूध पिलाने से। हाँ मैत्री, मैं तेरा दर्द समझती हूँ और तेरी सिचुएशन भी, लेकिन यार तुझे कोई नहीं समझेगा, इसलिए तू ना टेंशन मत ले। और हर्ष भी मान जाएगा। तू ऐसा कर, तू बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर, उन्हें टाइम दे। हर पल मैं इसी डर में हूँ नंदू कि हर्ष को मेरा सच पता चल जाएगा और वो मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा, मुझसे इतनी नफरत करेगा कि वो मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी दुनिया से और यहाँ तक कि बच्चों से भी। मैत्री बस कर और तू चल मेरे साथ, तू चल। मैत्री तू क्या कर रही है? तू दोबारा टॉपिक स्टार्ट कर रही है? सुन, तुझे पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं, और बार बार ये टॉपिक बोलती रहेगी तो सच बाहर आ जाएगा सबके सामने। क्या कर रही है? I'm sorry. ठीक कह रही है। डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। आज मैं श्लोक के सामने उसके पिता की मौत की सच्चाई लाकर रहूंगी। शगुन भाभी आज राज श्लोक को उसके पापा की मौत की सच्चाई बताने वाली है। वो अभी तक तैयार नहीं है ये सदमा सहने के लिए।
सनत भाई कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास एकदम। मेरा काम इतनी आसानी से हो जाएगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे श्लोक को यहां से दूर ले जाना होगा। श्लोक एक मिनट, तू यहां पे आ। क्या हुआ? एक मिनट मेरे साथ आ। अरे जी हुआ क्या, बताओ तो सही। तू आ तो। कब तक तुम सब मिलकर श्लोक को मुझसे बचाओगे? एक ना एक दिन तो इसे मेरे सामने आना ही होगा। थैंक यू कान्हा जी, आपने बचा लिया। मुझे जल्द से जल्द इस होर्डिंग को यहां से हटाना होगा। अरे तू इधर आजा बस। तू क्यों? हुआ क्या? तू वहां नहीं जाएगा बस। अरे क्यों नहीं जाऊंगा? तूने मेरी बात समझ ले। कभी कभी बड़ों की बात मान लिया करते हैं। ताऊ जी बताओ तो क्या मानना है? तब मानूंगा ना। मैं बताऊंगा बाद में, बताऊंगा तेरे को। ताऊ जी यार मैं जाने दो ना, मेरी बात समझ ले। तू नहीं जाएगा। मॉम श्लोक की नजर नहीं आ रहा है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया है और ये हरकत उस सुमित की है। उसे लगता है कि वो मुझे श्लोक से मिलने से बचा लेगी। अरे बात तो सुनना यार। मैं श्लोक के पास नहीं जा सकती तो क्या हुआ? श्लोक तो आ सकता है ना। फिर वो खुद इस पोस्टर से अपने पिता की मौत की सच्चाई जान जाएगा। इससे पहले कि लोग इकट्ठे हो जाएं, हमें हमारा काम करना होगा। कैसे करेंगे सुमित? आज तो कृष्ण जी भी हमारे साथ हैं, फिर हमें घबराने की क्या जरूरत? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अभी के लिए तो मुसीबत टल गई है, लेकिन कल शगुन भाभी को सच पता चलेगा ना उनके साथ क्या हुआ है, उसका बदला जरूर लेगी। मम्मी जी हम कल के लिए भी कोई रास्ता निकाल लेंगे। फिलहाल तो हमने आज श्लोक को बचा लिया। कान्हा जी कल दही हंडी है, शगुन इसका बदला जरूर लेके, रक्षा करना। ठीक लग रहा है? सुंदर लग रहा है। आज दही हांडी के दिन उनसे मटकी फूटे या ना फूटे, लेकिन उन सब की किस्मत जरूर फूटेगी। अरे यार सुमित, तुम्हारा फोन ले रहा हूं मैं। अरे यार ये बड़ी माँ को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? पीछे ही पड़ गई है यार। हेलो क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? श्लोक तुम्हारे आसपास तो नहीं है?
क्या लगता है तुम्हें कि मैं श्लोक को उसके पिता के बारे में नहीं बता पाऊंगी? बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे बस का ही नहीं है सुमित। आज दही हांडी के दिन मैं श्लोक को उसके पिता के बारे में सब सच बता दूंगी। और तो सुमित फोन कट कर। क्या बोल रही हूँ? अब क्या परेशानी बढ़ाने में तुली हूँ? कुछ भी बोलें श्लोक, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें उनकी हर बात का जवाब इस टास्क को जीत कर देना है। ओके, फोन देने कॉल करना है मुझे। सुमित, ये शगुन जो है ना, वो श्लोक को सब कुछ सच बताने पे तुली हुई है, और किसी भी हालत में हमें ये बात श्लोक से छुपानी है। एक तरीका है बेटा, क्यों ना हम श्लोक को दही हंडी में शामिल ही ना होने दें। ये बेचारा मुझे याद नहीं रहना प्लीज। समझ रही तू? नहीं ताऊ जी, ये टास्क जीतना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें चुनौतियों से घबराना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। वैसे भी कहते हैं कि दुश्मन की आधी हार हमारी हिम्मत और हमारा जोश देखकर हो जाती है, तो बस आधी जीत वो और आधा हम मिलकर शगुन को हरा ही देंगे। अभी तो हमने शगुन को सच बताने से रोक लिया, पर दही हांडी में शगुन ने जरूर कोई बड़ा प्लान बनाया होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इधर वो आमी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। इधर दुआ ने उनके साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से वो पहले ही बहुत ज्यादा मायूस है। हैदर, मुझे डर लग रहा है कहीं अम्मी ने खुद को कुछ कर लिया। तो मैं हैदर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। हैदर, हैदर आप कुछ कीजिए, दरवाजा खोलिए, अम्मी को बचाइए। हैदर, हैदर, हैदर एक बार मेरी बात सुन ली। कोई बात नहीं सुननी है तुम्हारी, मेरी अम्मी को मेरी जरूरत है, जाने दो मुझे। अच्छा मेरे रास्ते से। बाजी, हफीज, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उस कसल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हार नहीं मान सकती, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। दादी अम्मी, सच जानती है, मुझे उनसे उनसे बात करनी होगी। कहाँ दादी अम्मी? अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई? अम्मी कहाँ है आप? मैं जेल नहीं जाऊंगी। दादी अम्मी कहाँ गई? दादी अम्मी यहाँ भी नहीं है। याला कहाँ चली गई? फोन करके देखती हूँ। दादी अम्मी, खुदा के लिए फोन उठाइए, आपकी आपकी दुआ को आपकी जरूरत है। आ
आज दादी अम्मी तो क्या, खुदा के फरिश्ते भी तेरी मदद नहीं कर पाएंगे दुआ, क्योंकि सवाल मेरे बच्चे का है और मैं तुझे किसी का सहारा नहीं ले दूंगी दुआ, किसी का नहीं। मेरी बात सुन नूर, तुझे एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। जी अम्मी बताइए क्या करना है। मैंने तेरी दादी अम्मी को बड़ी सड़क वाली दरगाह पे भेजा है, वो वहाँ हमारी घर की सलामती के लिए दुआ कर रही होंगी। तुझे वहाँ जाना होगा और जब तक मैं ना कहूँ उन्हें वहाँ से निकलने मत देना, क्योंकि नूर अगर तू दादी अम्मी को वहाँ नहीं रोक पाई ना तो तेरे भाई के सर पे मंडराने वाला खतरा और गहरा हो जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। जी अम्मी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी अपनी अम्मी तो है नहीं, कम से कम दूसरे की अम्मी से तमीज से पेश आना सीख जाओ। बदतमीज कहेंगी। और रूहान की अम्मी आप फिर शैतान से मिल गई। भूलिए मत, मैं रूहान की दुश्मन नहीं हूं। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया, और ये तो सोचेगा भी मत कि मैं आप दोनों से डर जाऊंगी। हैदर को हकीकत तो पता चल के रहेगी और रूहान का असली चेहरा उनके सामने आके रहेगा। दुआ, उसके लिए तुम्हें इस घर में रहना होगा। अफसोस, मैं तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम्हारा घर निकाला होने वाला है दुआ बेगम। तमीज में रहो। तुम्हारी इतनी बिसात कि तुम मुझे इस घर से निकालोगी? अरे तुम हो कौन? मैं कसल हैदर अख्तर हूं। अख्तर खानदान की बहू और हैदर साहब की बीवी। बीवी नहीं, दूसरी बीवी। जिस घर में डोली में नहीं आई थी बल्कि कदमों में लिपट के आई थी। तुमसे हैदर मोहब्बत में नहीं बल्कि मजबूरी में रिश्ता जोड़ा है। गर्दन झुका के बात किया करो मुझसे। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मजबूरी हो। मजबूरी में ही सही, हैदर की बीवी तो हूं ना। तुम्हारी तरह तलाकशुदा मनहूस औरत नहीं, जिसे जलील करके उसके शौहर ने सबके सामने छोड़ दिया। अरे गुल्लू, बड़े बूढ़े कहते हैं सुहागनों पर तलाकशुदा औरतों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। अरे अरे तुम दो कदम दूर हो जाओ। अरे दो कदम दूर हो और तुम भी दो कदम दूर होकर हमसे बात करो। चलो। अरे गजल, दो कदम क्या, हमें तो इसके तो आसपास भी नहीं मंडराना चाहिए। ये रे, हैदर ने तो तुझे तलाक दिया था ना, तेरा कोई हक नहीं बनता इस घर में रहने का। चल निकल इधर से। तमीज से बात कीजिए गुलनाज बेगम। मैं अब भी इस घर की बहू। तलाक नामे पे हैदर ने दस्तखत किए, मैंने नहीं। और इस बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब मैं दे सकती हूं। तुम कुछ नहीं कर सकती। हैदर अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म कर चुके हैं। तुम्हें इस घर से जाना ही होगा दुआ। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री।
राधा, तुमने भगवत गीता मंगवाई थी ना? जी। हेलो, आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा है, अपने आखिरी वक्त में भगवान का नाम लेना सही रहता है। आखिरी वक्त? कल तुम्हारी फांसी है ना, तो अपने आखिरी वक्त में भगवान की भक्ति कर रही हो ना। अरे किसने कहा आपसे, ये तुम्हारा नियम है बचपन से। 8 साल की उम्र से रक्षाबंधन की रात को हम भगवत गीता वाचन शुरू करते हैं और जन्माष्टमी तक खत्म कर देते हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि इस बार तुम तुम्हारे नियम पूरे कर पाओगे। मेरा मतलब है ये भगवत गीता तुम पूरी कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे और अपने घर में अपने परिवार के साथ करेंगे और गीता पाठ के अंतिम दिन धूमधाम से उत्सव भी मनाएंगे। वो क्या ना, जन्माष्टमी आने वाली है, उस दिन हमारे पति मोहन जी और हमारे भगवान बांके बिहारी जी का जन्मदिन है। लेकिन कल तो तुम्हें फांसी होने वाली है। फांसी किससे होने वाली है? आप देखना, हम पूरे सम्मान के साथ जेल से जाएंगे। हमें हमारे मोहन जी और बांके बिहारी जी पर पूरा भरोसा है, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। बेचारी को शायद सदमा लग गया है, तभी ऐसी भयकी भयकी बातें कर रही है। दीदी, अब राधा को कोई नहीं बचा पाएगा। जेल से बाहर तो आएगी वो, लेकिन लाश बन के पता नहीं मामा जी के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कहीं इनके प्लान के चक्कर में हम और साधना फंस जाए। दामिनी, अरे चिंता मत करो दामिनी, मोहन चाहकर भी राधा को नहीं बचा पाएगा। चारों तरफ से वो दोनों ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि राधा तो अब गई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तस्मा दुतिष्ट कौन हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसी महिम तस्मात् दुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग जाओगे, और अगर तुम युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी पर राज भोगोगे। इसलिए उठो, निश्चय करके युद्ध करो।
साथ? हम नहीं आते तो और कौन आता राधा? हमने राखी जो बनवानी है तुमसे, आखिर भाई जो है हम तुम्हारे, हाँ? और तुम्हारा दूसरा भाई शेखर, उसी ने हम सबको तुमसे मिलवाने की परमिशन दिलवाई। अब एक पत्नी को अपने पति को बोलना होगा गले लगने के लिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।